इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। जवानी पे मेरी सितम ढहने वालो, जरा सोच लो के न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। ये लाहौर का बड़ा बेहतरीन मौसम है, हवा भी। मुल्तान से आए आप? जी जी मुल्तान से हूँ। अच्छी ठंडी हवा चल रही? बहुत अच्छी है, हमारे इलाके में तो बहुत गर्मी होती है। मुल्तान में भी ऐसे हवा चलती है? बहुत कम। अच्छा, अब कोई आपके जहन में कोई लिरिक्स वगैरह आ रहे हैं इस मौसम के हवाले से? नहीं, फिलहाल तो मेरे माइंड में नहीं है लिरिक्स। वैसे है कि रोमांटिक आवाज है, काफी ज्यादा रोमांटिक आवाज चल रही है, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद। साजिद, मुझे ये बताइएगा कि मौसम इतना अच्छा है तो हम कह रहे हैं लोग कुछ गुनगुनाए, एंजॉय करें, आप कुछ गुनगुनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो दिन के चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी, अरे खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया, वो निगाहों से बच कर कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। आए बंठन के शहरे खामोशा में वो कबर देखी जो मेरी, तो कहने लगे अरे आज इसकी तो इतनी तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। जवानी पे मेरी सितम ढहने वालों, जरा सोच लो क्या बात, जबरदस्त। अताउल्लाह साहब को आपने इतने आसान तरीके से जो है गालियां हूबहू, बिल्कुल आपकी आवाज ऐसी थी, तर्ज ऐसा था और बिल्कुल वैसे फील आ रही थी, तो ये क्या प्रैक्टिस की है या बस ऐसे नेचुरली है? ये प्रैक्टिस भी की है और कुछ मोहब्बत ने ऐसा बना दिया। मोहब्बत ने ऐसा बना दिया, क्या हुआ मोहब्बत में? बस मोहब्बत में एक लड़की आई थी मेरी जिंदगी में, तो दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब प्यार बढ़ता गया हमारा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर वालों तक बात गई, तो उसके घर वाले कहते थे कि ये तो पठान है, पंजाबी नहीं है। आप पठान हो या पंजाबी हो? मैं पंजाबी हूँ, बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, लेकिन आप लगते तो पठान हो। ये मेरे अल्लाह ने शक्ल ही मेरी ऐसी बनाई है कि मेरे क्या मतलब हो आप पंजाबी लेकिन शक्ल ऐसी है कि पठानों जैसी है। शक्ल मेरी पठानों जैसी। उसके घर वाले कहते थे कि ये पठान है, वो पंजाबी थी? हाँ जी वो पंजाबी थी। वो कहते थे ये पठान है, हम रिश्ता नहीं करते। हाँ जी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब लड़की ने भी अपने अम्मी अबू को बताया कि ये पंजाबी है, पठान नहीं है, तो वो मान ही नहीं रहे थे। हमने भागने का सोचा था कि हम घर वाले नहीं मान रहे थे। हाँ, घर वाले जब उनके मान ही ना रहे थे तो हमने एक प्लान बनाया कि हमने ना भागना है यहाँ से।
तो फिर भाग ही नहीं पाए, मतलब क्या हुआ, बस कोई मुश्किलातें रुकावट में इतनी आ गई थी कि बस कोई मौका ही नहीं बन पा रहा था कोई अच्छा सा जो है ना। तो उसके बाद उसकी शादी हो गई, शादी में हो गई तो फिर ये शुरू कर। हाँ, फिर मैंने अताउल्लाह को तो पहले भी सुनता था और फिर और ज़्यादा सुनने लग गया, मैंने कहा ये नहीं तो फिर यही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अताउल्लाह को अपने आप में समा लिया और गाने गाने शुरू कर। फिर मुझे बताइएगा कि अताउल्लाह साहब से कभी मिलने का भी मौका मिला आपको? नहीं, मैं ये बहुत सोचता था कि मैं अताउल्लाह को मिलूं, लेकिन मैं अभी तक मिला नहीं हूं। क्या कभी उन्होंने किसी के थ्रू आपकी आवाज़ सुनी है? इंडिया तक तो वैसे मेरी आवाज़ गई है और इंडिया वालों ने मुझे एक दफ़ा कहा भी था कि आप आएँ, तो ऐसे मैं कैसे चला जाऊँ, एक रक्षा ड्राइवर हूँ, मतलब घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से। रक्षा चलाते हैं? हाँ, मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हुए चलते फिरते ये मौसीकी करते हैं? हाँ, ये तो मैं करता ही करता हूँ मौसीकी, क्योंकि सवारियाँ आपकी आवाज़ सुनती है तो क्या रिएक्शन होता है? जब सवारियाँ आवाज़ सुनती हैं तो वो ऐसे करके देखती हैं ऐसे करके देखती हैं, फिर वो मतलब डब्बा नहीं ना लगा होता रिक्शे में, क्योंकि मैं खुद ही डब्बा हूँ, अताउल्लाह ने मुझे अताउल्लाह के गानों ने मुझे डब्बा बना दिया। अताउल्लाह साहब से मिलने की ख्वाहिश है आपकी? बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, कभी आप मिलवा दें तो मैं सारी ज़िंदगी आपका। अगर इस इंटरव्यू के बाद अताउल्लाह साहब आपकी आवाज़ सुन लेते और आपसे मिल लेते हैं फिर क्या होएगा? मैं इतना खुश होऊंगा कि खुशी में पता नहीं मैं क्या से क्या बोल जाऊँ। बिल्कुल सही जी, रक्षा ड्राइवर है ये और इनका कहना ये है कि मैं रक्षा चलाते हुए जो है वो इस तरह मौसीकी करता रहता हूँ, सवारियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, और एक लड़की से मोहब्बत में धोखे के बाद या जुदाई के बाद जो है इन्होंने अताउल्लाह साहब को सुनना शुरू किया और इस कदर सुना कि सुनते सुनते जो है ये खुद अताउल्लाह साहब की तरह जो है वो गाने शुरू कर दिया। कुछ और जाते जाते सुनाना चाहेंगे? दिल लगाया था दिल लगी के लिए बन गया दिल लगी के लिए दिल लगाया था दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी के लिए दिल लगाया था दिल लगी के लिए के लिए आपकी मांग में सितारे हैं हम तो जीते हैं रोशनी के लिए दिल लगाया था दिल लगी के लिए दिल लगी के लिए। क्या बात जी, जबरदस्त, और लड़के की आवाज़ आपने सुन ली है, इसका टैलेंट आपने देख लिया। अगर आपको उसका टैलेंट जो है पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लड़का जो है वो रक्षा चलाता है और रक्षा चलाते चलाते सवारियों को जो है वो अपनी आवाज़ सुनाता है, और सवारियों का कहना ये है कि बिल्कुल अताउल्लाह साहब की तरह ये जो है वो गाते हैं, और वाकई में बहुत ज़्यादा इनकी आवाज़ जो है अताउल्लाह साहब से मिलती है, इनका तर्ज जो है वो अताउल्लाह साहब से मिलता है। तो अताउल्लाह साहब भी अगर मेरी ये वीडियो देखें तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस फैन से जो है वो एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर करें, इस तरह लोगों के जो है हौसले बुलंद होते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।